ना तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैं काम करने के लिए आता था, आने का मन नहीं करता था भाई, इतना मतलब रोना आता था ना दिल्ली आने में कि पूछे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे भी, आई होप सब बढ़िया हो गए। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, एक्चुअली मुझे ना दिल्ली जाना है, तो उस वजह से टिकट विकट कटाने गया था, बट तत्काल टिकट कटाने में ना बहुत ही धीमा होता, तो कल मैं फाइनली कुछ टाइम देकर टिकट कटवा लिया एंड कट भी गया। तो आज फाइनली हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। क्या काम है वो तो आपको वहाँ चलकर बताएंगे, ज़्यादा सिंपल काम है और जानोगे ना तो बोलोगे यार इसके लिए कौन आता है, बट चलो कोई नहीं, चलते हैं। थोड़ा मन भी कर रहा है घूमने का, बोरिंग बोरिंग सा घर में लग रहा है। पूनम तो इधर मस्त अभी खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही है, भुजिया रोटी है ना पूनम, मुड़ी दिखा दिया कर कुछ दिन से वीडियो में आ ही नहीं रही है, पता ना क्या हुआ पूनम। हैं पूनम बोलती है ना कि वीडियो में हम आएंगे तब, जब आप हमको पेमेंट दीजिएगा आने का पेमेंट, समझ रहे हो ना। एक भाई सब मस्त यहाँ पर एसी चला के सो रहे हैं। हाँ, फिलहाल का सीन ऐसा, अभी हम मैं ना बैग पैक करता हूँ, संतोष चलेगा, इसको घूलने का मन होता तो खुद ही भाग जाता बिना बोल रहे, ये क्या चलेगा। फिलहाल गाइस मैं बैग पैकिंग करता हूँ, उसके बाद फिर शाम को नहा धोकर निकलेंगे 3:30 बजे के करीब। ऐसे तो पराठा बनाती ना है कभी, जाने के टाइम पे कम से कम ये बहाना तो बना रही है ना पूनम, हंस कह रही है, सही बात है ना। वीडियो बनाने के लिए सारा पंखा बंद कर देते ताकि आवाज बिल्कुल क्लियर आए। और लास्ट टाइम मेरा आईफोन था 10, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था वॉइस को लेकर, यार इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस को लेकर, क्योंकि पता है क्या 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 होता है ना कि कभी कभी ना वॉइस अचानक से कम रिकॉर्ड करता, तो आईफोन में ऐसा प्रॉब्लम कॉमन हो गया। अगर किसी को सोल्यूशन इसका पता है तो कमेंट में बताना। अब आईफोन ये सब आती है लोकल हो गया। हाँ, अब क्या लेना पड़ेगा? गूगल का बढ़िया रहता है। नया बैग ना ले आया, बैगवा कहाँ गली ब्लू का पता ना। निकालो जल्दी, नया बैग है वो लेकर, पहले घर में लाइट की जरूरत है, उससे जाएंगे फिर लेके पढ़। ये बैग तो सही है ना, मेरा ट्रेवलिंग बैग ऑलरेडी है तो बैग लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आने से पहले मैं कपड़ा धुलवा देता हूँ, देख लेता हूँ सूखा है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं सूखा होगा तो मेरा पोपट हो जाएगा। अब टाइम बच गया 2, सबसे ज्यादा कहीं जाता हूँ ना तो मेरा कन्फ्यूजन था कपड़ों को लेकर, क्या ले जाऊँ क्या नहीं ले जाऊँ। अगर कम ले जाता हूँ तो कपड़ा कम पड़ जाता है, अगर ज्यादा ले जाऊँ तो यूज ही नहीं होता है, नॉर्मली मेरा यही सीन होता है। फिलहाल मैं 1-2 जोड़ी ले लेता हूँ, 2 दिन के लिए तो जा ही रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए। ओ भाई ये कैसा हो गया यार, सारा सूख गया भाई। एक हमारा प्यारा सा टोपी जो बेइज्जती होने से बचाता है, अब बेइज्जती बोलोगे तो मेरा ज़्यादा बड़ा बल है ना, कई कई जगह फैमिली वाले थोड़ा बेइज्जती कर देते हैं। तो आप लोगों को पैक करके मिलते हैं। आज के ब्लॉग में शायद मम्मी नज़र नहीं आएगी क्योंकि मम्मी चली गई है, अभी धान वन रोपने का सीजन चल रहा है ना, तो धान रोपने चली गई है। मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले कम से कम मम्मी से तो मिल लेता, बट मम्मी तो है ही नहीं। चलो फिलहाल का सीन ऐसा है, अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, एक्चुअली घर में कोई है नहीं, पूनम संतोष है सिर्फ। चल पूनम भाई, चलो भाई जल्दी जल्दी निकलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगी ना, तो फिर ट्रेन छूटने की डर रहती है। मैं पहुंच गया हूँ मार्केट, संतोष जा रहा उधर क्लास, वो जा रहा है पीछे गाड़ी लेके, घर में का चले गए। चलो मैं अभी ट्रेन का वेट करता हूँ भाई, आप लोगों को पता ही है स्टेशन पर कितना भीड़ रहता है दिल्ली जाने वालों के लिए। सावन का महीना चल रहा है ना तो सब लोग अभी बोलबम जाने की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग देखो बोलबम का ही भीड़ रहेगा भाई, अभी ट्रेन पे ऑलमोस्ट जगह बोलबम का ही भीड़ रहेगा। मेरा भी प्लान है बोलबम जाने का, बट लास्ट में देख, यहाँ तो जबरदस्त भीड़ है, पीछे देखो पूरा का पूरा भीड़ है, बट कोई नहीं, किसी तरह तो चढ़कर पटना तक जाना, पटना से हमें गाड़ी चेंज करना है, मतलब पटना से संपूर्ण क्रांति है, इससे क्या होता है ना 4-5 घंटा लेट जाता है, और पटना से संपूर्ण क्रांति ना प्रॉपर 8 बजे पहुँचा देती है, मतलब कि शाम के 7 बजे चढ़ो सुबह 8 बजे पहुँचा दो, 12 घंटे में पहुँचा देती है, तो वो ट्रेन ना आसान रहता है, लेकिन भीड़ उसमें तो बहुत ज़्यादा रहता भाई, स्लीपर हो या फिर जनरल हो सब बराबर। एक मिनट टाइम है भाई। फिलहाल ट्रेन में बैठ चुके हैं एंड यहाँ से अभी पटना जंक्शन से फिर संपूर्ण ग्राम से न्यू दिल्ली। ऐसा अभी मैं पहुंच चुका हूं पटना राजेंद्र नगर, एक्चुअली यहां से हमें दूसरी ट्रेन पकड़ ली है, घर से आया था कोई और ट्रेन पकड़ के, यहां से हमें संपूर्ण क्रांति से जाना क्योंकि वो जल्दी पहुंचाता है। फिलहाल अभी निकलता हूं बाहर क्योंकि मेरा ना आईफोन का डाटा केबल ख़राब हो चुका है, तो अभी जाकर आईफोन का डाटा केबल लेना है। क्योंकि मैं जो ट्रेन से आया था ना ये है मगध एक्सप्रेस, ये भी दिल्ली ही जाता है बट ये काफ़ी लेट पहुँचाता है, डाटा केबल मिल तो रहा लेकिन वही चीप क्वालिटी का मिल रहा है। नगर में डाटा केबल मिलने से रहा, अब जाकर दिल्ली में ही लेंगे, आज वो कैसे भी चार्ज करके काम चलाते हैं, पावर बैंक से केबल खोजते डाटा केबल तो मिला नहीं। फिलहाल मिल गया खाना, फिलहाल खाना खा रहे हैं। वैसे मैं यूजुअली खाना लेके आया हूँ घर से,
बट उसको ट्रेन पे खाऊंगा, अभी के लिए ये खा लेता हूँ क्योंकि मुझे ना रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ट्रेन पर थोड़ा बहुत खा के काम चला लूँगा। अभी फिलहाल ये खाते हैं, खाना पीना हो गया कंप्लीट, अभी चलते हैं स्टेशन पे एंड चल के अभी आधा घंटा वेट करते हैं ट्रेन। पूर्ण क्रांति तो एक घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पर लग गई है, इसमें हमारा सीट रहा, अभी अंदर चलते, बहुत भीड़ है यार, मतलब कि इसका स्लीपर भी ना जनरल के बराबर आता है, इतना भीड़ रहा, अंदर ज़्यादा ब्लॉक कर नहीं पाएंगे, इसलिए अंदर चल के बैठते हैं एंड आप लोग को ब्रेक मिलेंगे दिल्ली में। जो सीट है वो ऊपर वाला है, तो थोड़ा देर में ऊपर जाकर आराम से सोएंगे, अभी फिलहाल ट्रेन के इस सफर का मजा लेते हैं। स्लीपर का भीड़ है भाई, कैसा भीड़ है देखो, अभी अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी अंदर तो पूरा जगह ही नहीं रहेगा। पहुंच चुके हैं दिल्ली 12 घंटा बाद, फाइनली पहुंच चुके हैं अभी न्यू दिल्ली एंड यहां से बाहर निकलते हैं। यहां का मौसम तो भाई बारिश वाला हो रहा है, इधर उधर देखो पूरा बारिश बारिश हो रहा है। वेलकम टू दिल्ली, दिल्ली इतना बड़ा है ना कि अब घर द्वार लगता है दिल्ली में, तो ना तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैं काम करने के लिए आता था, आने का मन नहीं कर रहा था भाई, इतना मतलब रोना होता ना दिल्ली आने में कि पूछे मत, आज वो फील कर रहा हूँ, मैं तो आया हूँ बस दो दिन के लिए, दो दिन के बाद फिर वापस से चले जाए, वो दिन याद आता है मेरे को यार, बड़ा अजीब सा लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है कि सुबह सुबह हुआ है बारिश तगड़ी बारिश, उसका एंट्री गेट कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ एंट्री गेट मेट्रो का, शायद वो ही है, 16 नंबर से बाहर निकला हूँ, तो इधर की ओर शायद जाना है मुझे मेट्रो गेट, इधर एंट्री करने वाला नहीं है, दिल्ली में ये सब लड़ाई झगड़ा कॉमन है, अपन चलते हैं ऊपर पहले। बाहर आ चुके अभी नहीं, चलते हैं डायरेक्टली रूम की ओर। नहीं ले रहा, मेरा कार्ड ही नहीं काम कर रहा है, निकलूं कैसे बाहर, मेट्रो कार्ड ही काम नहीं कर रहा था, फिर पता नहीं उन्होंने कैसे कैसे किया, फिर मैं बाहर जाके निकला, डायरेक्टली रूम पे आपको मिलते हैं, है ना। आ चुका हूँ मैं रूम पे, अब बताता हूँ कि दिल्ली मैं क्यों आया हूँ, दिल्ली आने का सबसे बड़ा रीज़न है ये भाई साहब, इसको एक्चुअली ये देखो अभी नहाने में लगा हुआ, ये एक्चुअली अभी दिल्ली आया हुआ, इसको ले जाना है बिहार से, तो इसको बिहार ले जाने के लिए मैं बिहार से दिल्ली आया, उसके बाद फिर इसको ले जाऊँगा, एक्चुअली रिटर्निंग है 12 तारीख को, मैं 12 तारीख को घर जाऊँगा फिर वापस। चलो फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।